हाय एवरीवन, मैं महपाल मारा फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्लपूल कंपनी के जो है बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। जो है वर्लपूल कंपनी का रेफ्रिजरेटर आ जाता है, इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको कौन कौन से फीचर आपको मिलने वाले हैं, साथ ही बात करेंगे कि जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है, इस रेफ्रिजरेटर का जो है प्राइस कितना आ जाता है। तो फ्रेंड, आप करते हैं वीडियो को जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड, आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक फर्स्ट लुक के साथ। ठीक है, यह आ जाता है वर्लपूल कंपनी का जो है डबल डोर का रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यह आपको 235 लीटर कैपेसिटी के अंदर आपको मिल जाता है। इस रेफ्रिजरेटर की अगर बात की जाए मॉडल की, जो रेफ्रिजरेटर आ जाता है, इस रेफ्रिजरेटर का मॉडल आ जाता है 22046, इस रेफ्रिजरेटर का जो है मॉडल आ जाता है। और जो रेफ्रिजरेटर आ जाता है वर्लपूल कंपनी का, यह न्यू फ्रेश रेफ्रिजरेटर आ जाता है। न्यू फ्रेश जो है यह वर्लपूल की जो है सीरीज है, और सिक्स सेंस वाला जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है। सिक्स सेंस जो है वर्लपूल का पैटर्न है, यानी कि जितने भी जो वर्लपूल के डबल डोर के रेफ्रिजरेटर आते हैं उनमें सभी पर आपको जो है सिक्स सेंस लिखा हुआ दिखाई देगा। और जो इस रेफ्रिजरेटर का कलर आ जाता है, ये आ जाता है आर्टिक स्टील। और इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको मल्टीपल कलर भी जो है दिखने को मिल जाते हैं। जो यह कलर आ जाता है आर्टिक स्टील, यह बहुत ही सुंदर जो है दिखने में लगता है। और जितना सुंदर इस रेफ्रिजरेटर का यह कलर आ जाता है, उतने ही बेस्ट जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको फीचर भी मिल जाते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के जो है अंदर स्पेस के बारे में, तो फ्रेंड इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको यह अंदर टोटल स्पेस मिल जाता है। और सबसे ऊपर मिल जाता है आपको फ्रीजर कंपार्टमेंट, जैसे कि अगर आपको आइस वगैरह जमानी है तो आप ऊपर इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो है आइस वगैरह जमाने का काम कर सकते हैं। और जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है, यह डीप फ्रिज रेफ्रिजरेटर आ जाता है। इसका जो फ्रीजर है यह डीप दे रखा है। इस डीप फ्रीजर की वजह से जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है 85 मिनट के अंदर में जो है आइस रेडी मिल जाती है। और इसमें मिल जाता है आपको जो है एक आइस बॉक्स मिल जाता है, जैसे कि अगर आपको आइस वगैरह जमानी है तो जो है आप इस आइस बॉक्स में जो है आइस वगैरह जमाने का काम कर सकते हैं। और आपको जो है इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो है एक कूल पैड मिल जाता है, यानी कि जो है कूल पैड होता है, इसके अंदर में चिलिंग जेल होती है जो लाइट जाने के बाद जो है 17 घंटे तक जो है कूलिंग को रिटेंशन करने का काम करता है। और जो है डबल डोर का रेफ्रिजरेटर आ जाता है, इसको फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, यानी कि जो आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है मैनुअल डिफ्रॉस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो ऑटोमेटिक जो है डिफ्रॉस्ट करना चालू कर देता है। और इस फ्रीजर कंपार्टमेंट में जो है आपको कूलिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर एक नॉब मिल जाती है, और इस नॉब पे जो आप कूलिंग को जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस रेफ्रिजरेटर में जो है नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट की। तो फ्रेंड, इस रेफ्रिजरेटर में जो है आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट का स्पेस मिल जाता है। और स्टोरेज कंपार्टमेंट में जो आपको 3 टपन ग्लास की सेल्फ मिल जाती है। जो ये सेल्फ आ जाती है पूरी तरह से अनब्रेकेबल होती है, जैसे कि अगर आप रेफ्रिजरेटर में साफ सफाई वगैरह अंदर करते हैं, और अगर सेल्फ अगर नीचे अगर गिर भी जाती है तो यह ब्रेक नहीं करती है। और इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको टावर कूलिंग मिल जाती है, यानी कि जैसे कि ओवरऑल आप इस रेफ्रिजरेटर में कहीं पर भी अगर आप सामान वगैरह रखते हैं, जो कूलिंग होती है वो बराबर कूलिंग होती है इस रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर में जो डक्ट बनी है वो हर सेल्फ की जो है बैक साइड से बनी हुई है। जिसकी वजह से जो है इस रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग होती हो वो इक्वल कूलिंग होती है, कम ज़्यादा कूलिंग जो है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है दिखने को नहीं मिलती है। और इस रेफ्रिजरेटर में जो है सेल्फ आ जाती है टपन ग्लास सेल्फ को, जो है आप इस रेफ्रिजरेटर में जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर जैसे कि अगर आपको बीच में कोई बड़ा बर्तन वगैरह रखना है तो जो है आप सेल्फ को भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और इस रेफ्रिजरेटर में जो है यह आपको जो है वेजिटेबल बॉक्स मिल जाता है, जैसे कि अगर आपको सब्जी वगैरह रखनी है तो आप इस वेजिटेबल बॉक्स में सब्जी वगैरह रखने का काम कर सकते हैं। और वेजिटेबल बॉक्स में जो आपको एक वर्लपूल कंपनी की एक मैनुअल बुकलेट मिल जाती है, यानी कि आपको इस रेफ्रिजरेटर को कैसे यूज करना है तो इसमें कंपनी की मैनुअल गाइडलाइंस लिखी हुई है, तो इसको भी जो आप पढ़ सकते हैं। और इस वेजिटेबल बॉक्स का जो है यह कवर आ जाता है, और जो कवर आ जाता है यह हनीकॉम कवर आ जाता है, यानी कि जो इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो मधुमक्खी की जाल की तरह किया गया है, यानी कि
हमारे इस वेजिटेबल बॉक्स में सब्जी वगैरह रखते हैं, ये सब्जी वगैरह में जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको ये टोटली लॉक करके रख देता है। उसके बाद आप इस कवर को बाहर निकाल के हल्के हाथों से जो है आप साफ भी कर सकते हैं। इस एग्जेटर में जो आपको माइक्रोब्लॉक टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जिस समय इस वेजिटेबल बॉक्स का कंपनी में निर्माण किया जाता है तो इसमें जो है सिल्वर आयंस के पार्टिकल मिक्स किए जाते हैं, यानी कि जो 99.9% जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। यानी कि जो सब्जी वगैरह पर जो बैक्टीरिया वगैरह होती है जिस समय हम बाजार से लेके आते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, अब यानी कि इस वेजिटेबल बॉक्स में अगर सब्जी वगैरह रखते हैं या सब्जी वगैरह पर जो बैक्टीरिया वगैरह होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। और इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको एक एक्टिव ग्लो मिल जाता है, जैसे कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल अगर इस रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जो इस रेफ्रिजरेटर में जो स्मेल वगैरह आती है उसको रिमूव करने के लिए जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है एक एक्टिव ग्लो भी मिल जाता है। और साथ ही जो है आपको इस स्टोरेज कंपार्टमेंट में जो है कूलिंग को एडजस्ट करने के लिए एक नॉब मिल जाती है। आप इस नॉब से भी जो है स्टोरेज कंपार्टमेंट में जो है कूलिंग को जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा जैसे कि लो, मीडियम, हाई और क्विक चिल, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है इस स्टोरेज कंपार्टमेंट में भी जो है कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस रेफ्रिजरेटर में जो है ये आपको जो है डोर मिल जाता है, जैसे कि अगर आपको पानी वगैरह की बोतल वगैरह रखनी है तो जो आप साइड में पानी वगैरह की बोतल वगैरह रख सकते हैं। प्लस जो है आपको जो है इस फ्रीजर कंपार्टमेंट का यह डोर मिल जाता है, जैसे कि अगर आपको फ्रोजन फूड वगैरह रखना है तो आप साइड में फ्रोजन फूड वगैरह रख सकते हैं। प्लस अगर आपको 2-2 लीटर की अगर आपको पानी की बोतल रखनी है तो यहाँ पर आप 2-2 लीटर की जो है 3 बोतल स्टोर कर सकते हैं। प्लस एक आपको मिल जाता है इस रेफ्रिजरेटर में एक्ट्रे, जैसे अगर आपको एग वगैरह रखना है तो जो है आप एग वगैरह भी इस रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस रेफ्रिजरेटर में जैसे अंदर अगर साफ सफाई वगैरह करते हैं या धूल मिट्टी अगर साइड में अगर बैठी होती है तो जो है आप इस रेफ्रिजरेटर की इस गैस्केट को जो है ओपन करके आप इस रेफ्रिजरेटर की जो है साफ सफाई वगैरह भी जो है टोटली कर सकते हैं। और जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है वर्लपूल कंपनी का, यह जो आपको 2-स्टार रेटिंग के अंदर आपको मिल जाता है, जो पर ईयर जो है 265 यूनिट कंज्यूम करता है बी रेटिंग के अनुसार। छोटा सा यहाँ पर स्टार मार्क भी है। टर्म एंड कंडीशन 235 लीटर जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो है टोटल वॉल्यूम मिल जाता है, यानी कि जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है 235 लीटर कैपेसिटी के अंदर आ जाता है। और इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको सेपरेट स्टेबलाइजर लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस अगर आपके एरिया में अगर लाइट की फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा होती है तो आप सेफ्टी पर्पज से जो है रेफ्रिजरेटर पर जो है स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। और इस रेफ्रिजरेटर में जो आपको 1 ईयर की कंप्रीहेंसिव वारंटी मिल जाती है, 10 ईयर जो है आपको इस रेफ्रिजरेटर की जो है कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। अब बात की जाए इस रेफ्रिजरेटर की जो एक बार प्राइस की, जो है रेफ्रिजरेटर आ जाता है 235 लीटर कैपेसिटी के अंदर में, इस रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस आ जाता है वो आ जाता है अप्रॉक्स 22,000 के समथिंग। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करने की सोच रहे हैं तो जो आप हमारे शोरूम से भी जो है इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर सकते हैं। हमारे शॉप का नाम आ जाएगा मोबिनेक्स इलेक्ट्रॉनिक संत नगर बुराड़ी दिल्ली के अंदर में, तो जो आप हमारी शॉप से भी जो है इस रेफ्रिजरेटर को जो है परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप करते वीडियो को यहीं पर क्लोज और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।